और गाइस कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार का रणजी ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज है 5 जनवरी और मैं जा रहा हूँ रणजी ट्रॉफी का मैच देखने, जो कि हो रहा है MBB ग्राउंड पे, जो कि यहाँ का बहुत बढ़िया ग्राउंड है त्रिपुरा का। तो वहीं पे जा रहा हूँ मैच देखने। और आज त्रिपुरा की टीम से खेल रहे दीवान शाह भैया और गोवा की टीम से खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर। तो टीम 5 दिन पहले यहाँ पे आ गई थी, अपना प्रैक्टिस चल रहा था और आज से मैच स्टार्ट होना था। चलो मैं आपको ग्राउंड पे चल के दिखाऊंगा और आज कोशिश करूंगा कि अर्जुन तेंदुलकर से थोड़ी बात करूं और थोड़ी दीवान शाह से थोड़ी बात करूं। बाकी चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा पहले बैटिंग कर रही है और 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुका है उनका। श्रीदम बैटिंग कर रहा है और उसके साथ एक प्लेयर बैटिंग कर रहा है, ठीक है। तो चलो सीधा ग्राउंड पे चलता हूं, फिर आपको मैच दिखाता हूं कि कैसा होने वाला है। और गाइस कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार का रणजी ट्रॉफी सीजन कौन सी टीम जीतने वाली है। सो गाइस, ये है भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो कि काफी सिद्ध मंदिर है, यहाँ पे अगरतला में लोकेटेड है। ग्राउंड पहुंच चुका हूं और अभी सुदीप चटर्जी और श्रीदम बैटिंग कर रहा है और अर्जुन तेंदुलकर फाइन लेग पे खड़ा हुआ है, फील्डिंग कर रहा है। गाइस अभी चल रहा हूं उधर मेन वाले पवेलियन में, फिर पवेलियन से मैच देखेंगे। चलो भाई, अरे मेरे को छोड़ के मत जाओ यार। चलो ये तो बहुत तेज हो गया। यहाँ से बैठा गया उधर से। ऐसा बोला रे। हाँ वो तो भाई अर्जुन भैया बोलम ना, ये ना बोले 135 कर ला रे। कौन देखा अभी ना ना थ्रू आप देखो तो आप तो ये साहिल सुल्तान, इसके खिलाफ मैंने इसको 2 छक्के दिए थे एक ओवर में। अर्जुन भैया तो बहुत अच्छे बॉलर हैं ये। हाँ अर्जुन भैया मेरे मैच के टाइम पे मतलब बोर्ड मेरे को बोल डाल रहे थे। इनका बेस कितना होगा? 125-30 के आसपास, वो उस वाले मैच में क्या बोलते फ्रेंड से जब मेरा मैच था तो भैया डाल भाई मेरे को बॉम से पटके मैं छोड़ दूँ बॉम से पटके छोड़ दूँ, बहुत परेशान किया था मैंने इनको। ये है अपने त्रिपुरा के स्टार प्लेयर मणिशंकर मूरा सिंह, जो काफी टाइम से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और साथ ही साथ ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी दोनों खेल चुके हैं। मुंबई खेल भी लिया IPL।
भाई इन भैया का कॉन्फिडेंस देखना है, देखना कैसे एक्यूरेट पेस बताएंगे बॉलर का। दोनों देख के देखते हैं, सिक्स शॉट है। अरे हां भैया ये वाली दिखी थी। हां ये दिखी थी, कितनी थी? सिक्स है ये, 128-29 होगा। एकदम एक्यूरेट बता रहा लड़के ने। मैं तो कह रहा हूं मशीनों की जगह इन्हीं को खरीद ले कोई। नहीं नहीं बोलो ब्रेसिंग भाई, तेरा मैं स्पॉन्सरशिप खाना नहीं चाहता, क्योंकि तेरा जो ऑडियंस है सब मेरे पास ही आएगा ना बाद में। नाम बता दो अपना स्पॉन्सर के लिए। नहीं वो बाद में बताऊंगा, वो देख के आ जाएगा ना। देख के थोड़ी आ जाएगा। मैं वो बोल रहा था कि तुम लोग जो बोल रहे हैं ना कि ये स्पीड इतना है इतना है, वो एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है? देख देख के मेरा एक्सपीरियंस हो गया, खेलने का जरूरी नहीं होता। भैया के मुताबिक जो स्पीड आता है वो एक्सपीरियंस से आता है, वो प्रैक्टिस से नहीं आता। एक वीडियो डालूंगा उसमें आप थोड़ी ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है भाई? तेरा मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाएगा ना उसके बाद, आपके बाद, आपके डायलॉग के बाद, है ना? डीआर आवाज नहीं है ना ना हैं ये ना बोला क्लब लीग डीआर आवाज से हम जितना गाइस चना चूर खा के फिर से चलते मैच देखने। पब्लिक मस्त आई है भाई, लेकिन आज वाले मैच है ना। तो गाइस टी तक मैच देख के अभी आ चुका हूँ घर। बाकी मैच काफी अच्छा हो रहा था, श्रीडम खेल रहा है 73 के आसपास और टोटल टीम का स्कोर 100 से ऊपर हो चुका है। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 3 विकेट गया है बैटिंग में भी। गणेश सतीश और श्रीदम बैटिंग कर रहा है और 3 प्लेयर बाकी आउट हो चुके हैं। अभी रिजवान साहब की बैटिंग आई नहीं थी तो इसलिए देख नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उनका नेट सेशन बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे यार, नेट सेशन देखा, नॉकिंग कर रहे थे वो देखा। तो चलो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।